अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक हाउ टू मल्टीपल योर मोगरा प्लांट, मतलब जैस्मिन का प्लांट आप मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ग्रो फ्रॉम कटिंग। स्टेम कटिंग भी देखेंगे हम और ब्रांच कटिंग भी सीखेंगे हम कि उसको कैसे काटना है और कैसे उसको ग्रो करना है। वेल ये हमारा मोगरा प्लांट है, मोगरा प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चल रही है, न्यू पत्ते निकल रहे हैं। सबसे पहले कुछ डिस्कस कर लें इसकी हेल्थ के बारे में और इसकी डिजीज़ के बारे में। बेसिकली इसको डिजीजेज लगती नहीं है, जस्ट इसकी कुछ ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, मतलब रुक जाती है, और वो ओवर वाटरिंग करने की वजह से होती है। ये गर्मी हो या सर्दी हो इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, ये इसके पत्ते फिर भी स्टेबल रहते हैं। अगर फुल सर्दी भी हो, जनवरी का महीना भी हो, तब भी इसके पत्ते स्टेबल रहते हैं, और फुल गर्मी हो तब भी इसके पत्ते ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये 12 महीने चलने वाला पौधा और 12 महीने ही फूल भी देता है, मतलब जैस्मीन का पौधा जिसको हम पंजाबी में और उर्दू में इसको बोलते हैं मोतिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं मोगरा। बेसिकली दो इसकी वराइटीज़ होती हैं, दो स्पीशीज़ होती हैं, एक नॉर्मल होता है जिसको मोतिया बोलते हैं, एक होता है मोगरा प्लांट मतलब गजरा। इस फूल के गजरे बनते हैं जो लेडीज़ अपने हाथ में पहनती हैं, बालों में डालती हैं, उसको बोलते हैं गजरा। तो ये फूल इतना इतना बड़ा होता है, इसके गजरे बनते हैं। अब इसकी प्रोपागेशन की बात करते हैं कि बाद में बात करेंगे, पहले इसकी डिजीज़ की बात करते हैं। ओवर वाटरिंग करने की वजह से इसके पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जो कि अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। अब आपके सामने है, ये देखिए, ये मैंने अपनी बड़े वाली क्यारी में लगाई हुई है और कितनी शूटिंग इसकी निकल रही है, ये देखिए। बेसिकली जब आपके जो ग्रोथ रुक जाए इस प्लांट की, ये आपने नोट किया होगा, ये आपको कटिंग दिख रही होगी, यहाँ से मैंने इसकी प्रूनिंग की थी और यहाँ से भी काटा था और यहाँ से भी काटा था। ये काटने की वजह क्या होती है, ये एक लॉजिक है। ये देखिए यहाँ से भी मैंने कट किया था इसका, क्योंकि जब इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने बहुत बार वीडियोज में शेयर भी किया है और अब फिर कर रहा हूँ, पत्तों को डिफोलिएट कर देना, ये अच्छा इंडिकेट होता है न्यू ग्रोथ के लिए। न्यू ग्रोथ जल्दी होगी और ज़्यादा अच्छी होगी और पत्ते बिग साइज के होंगे और फ्लावरिंग भी ज़्यादा करेगा। बेसिकली जब इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो उसको न्यू मतलब के न्यू पत्ता निकालने के लिए एक पावर की ज़रूरत होती है, जो कि ब्रांच में पावर नहीं होती, क्योंकि हमने ओवर वाटरिंग कर करके या बहुत ही कम पानी देते हैं या बहुत ही ज़्यादा पानी देते हैं, बैलेंस्ड का हमको पता ही नहीं चलता। इस वजह से ब्रांचेस के अंदर जो वाटर फ्लो होता है वो या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू पत्ते आना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए हम डिफोलिएट कर देते हैं पत्तों को, ताकि पत्ते रिक्वायर ना करें अपनी ज़रूरत को पूरा ना करने के लिए, मतलब ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्रांच को फोर्स ना करें कि हमको वाटर दे या हमको फर्टिलाइज़र दे। इसलिए हम पत्तों को तोड़ देते हैं और ब्रांच एम्प्टी हो जाती है, मतलब उसको रिलैक्स मिल जाता है, उसको छुट्टी मिल जाती है, हॉलीडे मनाती है वो क्योंकि अगर पत्ते होंगे तो पत्ते तो 24 घंटे रिक्वायर करते ही रहेंगे हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमें पावर दो। तो ये जो ब्रांच आपको दिख रही है ग्रीन कलर की या वुडी होती है जो, तो वो नीचे से रूट से कहेगी हमको पावर दो, तो रूट पावर देंगी ब्रांच को और ब्रांच पावर देगी लीव्स को। तो अगर इस ब्रांच के अंदर पावर ही ना इतनी हुई या वाटर फ्लो ज़्यादा हुआ या बहुत कम हुआ तो नए पत्ते आना मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए हमें डिफोलिएट करना सबसे बेस्ट वे होता है न्यू ग्रोथ के लिए। तो डिफोलिएट करने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे करना है आपने। ओके, डिफोलिएट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रांच आपने चूज करनी है, मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी ब्रांचेस आपको दिखे सबके पत्ते डिफोलिएट कर दें, मतलब कि पूरे के पूरे डिफोलिएट नहीं करने। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है, इसको मैं डिफोलिएट करूँगा पत्तों को, तो जो स्टार्टिंग में पत्ते होते हैं, यंगर शूट होती है, जो यंगर लीव्स होते हैं जो ऊपर से निकल रहे होते हैं, उन दोनों को छोड़कर आप फिंगर से आप इस ब्रांच को पकड़िए और दूसरी फिंगर से कुछ इस तरह से पत्ते नीचे की तरफ फोर्स करेंगे तो सारे के सारे पत्ते डिफोलिएट हो जाएंगे। तो ये जो अब ये एरिया बच गया है, ये एम्प्टी हो गया है, अब यहाँ पत्ता कोई नहीं है, इसका मतलब है कि इसके अंदर अब पावर 24 घंटे के बाद पावर फ्लो मतलब वाटर फ्लो एक लेवल पर आ जाएगा और बहुत जल्द यहाँ से कोई ना कोई बर्ड ज़रूर निकलेगा, जगह जगह से बर्ड निकलेंगे। तो एक अगर हम पत्ते काट देते हैं तो एक हमने अगर पत्ता काटा तो उसकी जहाँ पे मे बी कि एक ब्रांच निकले, ये मिनिमम बता रहा हूँ, निकलती ज़्यादा है
जितने पत्ते आप ज्यादा डिफोलिएट करेंगे आपका जो रस मिल जाएगी उस पौधे को, उस ब्रांच को रस मिल जाएगी, देन वो न्यू पत्ते बहुत जल्दी निकालेगा। तो एक तो तरीका ये होता है और दूसरा तरीका इसको काट देने से होता है, हाफ कट करने से होता है। मैं हाफ कट नहीं करता, मैं पूरा डिफोलिएट कर देता हूँ जिस तरह ये किया। अब ये भी है तो ये भी दो पत्ते डिफोलिएट कर देता हूँ मैं। ऊपर वाले को मैं पकड़ूंगा कुछ इस तरह से, ब्रांच को मैं पकड़ूंगा और जो नीचे वाले पत्ते हैं इसको मैं डिफोलिएट कर दूंगा। ये करीब चार पत्ते हैं तो चारों को मैं डिफोलिएट कर दूंगा। बहुत आसानी से हो जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आप पावर लगाएंगे, फोर्स करेंगे थोड़ा सा तो ये बहुत आराम से, ये देखें पत्ते टूट जाते हैं। तो हाफ कट भी आप कर सकते हैं, कैंची की मदद से आप हाफ कटिंग कर दें तो भी आपका काम चलता है, लेकिन ज्यादा बेस्ट भी यही होता है आप पत्तों को पूरे के पूरे पत्तों को डिफोलिएट कर दें। मैं अक्सर करता रहता हूँ, न्यू ग्रोथ बढ़ाने के लिए डिफोलिएट करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा मेथड ये होता है कि इसकी हम अपर जो ब्रांच होती है, स्टेम्प होती है, वो काट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैं काटता हूँ, मेरा कटर कहाँ गया, ओके फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांच है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी बर्ड निकले, यहाँ से भी निकले, जगह जगह से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकले हैं, तो उसके लिए मुझे ये वाली काटनी पड़ेगी ऊपर वाली। तो यहाँ से हम काट देंगे, ओके ये अब पूरी ब्रांच जो है एम्प्टी हो गई है। तो यहाँ से फ्यूचर में 1 वीक में या 2 वीक में जगह जगह से यहाँ से बर्ड निकलेंगे और नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ही फेमस एक ट्रिक है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए आपको मैंने दिखाया था, ये भी मैंने कटिंग की हुई थी, ये मैंने काट दिया था, यहाँ से देखिए ये एक निकल आया और बहुत हेल्दी निकल रहा है, ग्रोथ अच्छी चल रही है। कितनी ही मैंने कटिंग की थी, ये देखिए आपके सामने बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल आपको मिल गई। यहाँ से मैंने काटा था इसको, यहाँ से मैंने काटा था और उसकी जगह से दो बर्ड निकले, दो टहनियाँ निकली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये मैं मिनिमम बताता हूँ, एक काटेंगे दो निकलेंगे, निकलती बेसिकली ज़्यादा हैं तो फिर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ। ओके अब जो हमारा टॉपिक था मेन, ये तो हेल्थ की बात हो गई इसकी कि आपने ग्रोथ कैसे बढ़ानी है और उसका जो प्रोटेक्ट करना है आपने पानी से करना है, उसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी और ना ही बहुत कम पानी देना है। बैलेंस रखे, जब आपको फील हो कि पौधे के जो सरफेस एरिया है मिट्टी का वो ड्राई हो रहा है देन उसको पानी ऑफर करें, अदरवाइज पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दिन में गमले की मिट्टी जिस तरह ये अभी मोस्ट है ये वाली, अगर गमले की मिट्टी एक दिन में 5 बार ड्राई होती है तो इसका मतलब है आप 5 बार ही उसको पानी दें। अगर ये 1 वीक में भी ड्राई नहीं होती इसका मतलब है कि आप 1 वीक भी उसको पानी ऑफर ना करें। ये पौधे की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके अब बात करते हैं इसकी कटिंग की, आपने कटिंग कैसे करनी है। ये वाली ब्रांच मैं चूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली निकली हुई है नीचे से, ट्रंक लेवल से ही मोटे वाली ब्रांच निकल रही है। तो मैं चाहता हूँ इसकी कटिंग करके दो प्लांट बना लूँ, मल्टीपल कर लूँ। बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में कटिंग्स लगाना बेस्ट रहता है क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, हवा के अंदर नमी होती है और फुली इसको मतलब कि धूप हर वक्त चिनचिनाती नहीं रहती, गर्म लो नहीं चलती, इसलिए कटिंग्स के लिए ये सीज़न बेस्ट माना जाता है। ओके तो कटिंग्स करते हैं अब। ओके दोस्तों, कटिंग करने के लिए ब्रांच किस किस्म की आपने चूज करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नो इशू, आप चाहे मोटे वाली ब्रांच लें या थिन वाली लें या थिक वाली लें, मतलब कि बहुत आपने मोटी ब्रांच नहीं लेनी। जिस तरह के इसमें बेसिकली मोटी कोई भी ब्रांच है नहीं अभी, आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि ग्रीन वाली चूज करें, ग्रीन जो यंगर शूट्स होती हैं, ग्रीन शूट्स होती हैं, सॉफ्ट वुड उसको बोलते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग भी बोलते हैं उसको, मतलब नरम जो टहनी होती है, ब्रांच होती है नरम, उसकी थ्रू जल्दी इसकी प्रोपगेशन होगी, मतलब कटिंग्स के थ्रू ये जल्दी ग्रो होगा। तो ये ब्रांच काफ़ी बड़ी हुई है ये देखें, तो मैं चाहता हूँ इसकी दो कटिंग लगा दूँ, मे बी के फ्यूचर में इसकी ग्रोथ भी बढ़ जाए। ओके ये अब देखिए ये वाला एरिया किधर गया, हाँ बहुत पत्ते हैं ये देखिए, अरे तुम तो कट जाओ, एक पत्ते को मैं काट देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ओके ये देखिए ये ब्रांच पीछे से एक आ रही है और यहाँ से एक नई शूट निकली, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से काट लें ताकि फ्यूचर में यहाँ से एक और भी शूट निकल सके, तो कटिंग्स भी हो जाएगी हमारी और पौधे की हेल्थ भी बढ़ जाएगी। यहाँ से मैं काट देता हूँ, ये देखिए कितनी बड़ी ब्रांच मैंने काट डाली, ये देखिए कितनी बड़ी ब्रांच है। अब इसकी कटिंग लगाने का तरीका, सबसे पहले हम इसके दो सेंटर में से दो पीसीज करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको करीब करीब 6 इंच की एक आपने ब्रांच लेनी है एज अ कटिंग, जिसको कलम भी बोलते हैं, वो
ओके, अब हमारा ये हमारे पास कटिंग सो आ गई। अब हम इसके पत्ते सबसे पहले कट करेंगे। कट करने का तरीका बहुत सेंसिटिव होता है, कुछ लोग तो डायरेक्ट उसको हाथ की मदद से खींच देते हैं, लेकिन खास के हाथ से खींचने में नुकसान ये होता है कि अक्सर जो बर्ड जो नोड एरिया होता है वो भी डैमेज हो जाता है। नोड एरिया क्या बोलते हैं उसको, मैं आपको बताता हूँ। नोड एरिया होता क्या है, बेसिकली ये जो पत्ते के जो स्टार्ट में आपको दिख रहा है ये नन्ना सा एक शूट निकल रहा है, मतलब कि यहाँ से भी इसकी ब्रांच निकल सकती है। इसलिए अगर हम हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये एरिया डैमेज हो जाएगा, क्योंकि यहीं से इसकी बडिंग स्टार्ट होनी है, या इस एरिया से बडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। ये बात हमेशा याद रखिएगा, हर पौधे में यही रूल होता है। अक्सर हम जिसकी भी कटिंग करते हैं पत्ते काट देते हैं, काटना अच्छा होता है, अदरवाइज अगर हम हाथ से उसको तोड़ देते हैं तो वो डैमेज हो जाता है नोड एरिया, तो हमारी कटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे से होता ही नहीं। अब ये देखिए, ये भी एरिया है, यहाँ से दोनों साइडों से छोटे छोटे से पत्ते निकलना शुरू हो रहे हैं। हर पत्ते के स्टार्ट में आपको नोड एरिया, उसको बोलते हैं नोड एरिया, NODE, नोड एरिया होता है। तो नोड एरिया को डैमेज ना किया जाए, इसी से आपकी जो ब्रांच की ग्रोथ है वो बढ़ेगी। ओके, अब हम पत्तों को काट देंगे। काटने का तरीका कैंची से, आप जो साथ में थोड़ी सी टहनी छोड़ दें उसके पत्ते के जो स्टार्टिंग में होती है, कुछ इस तरह से। अब इस तरह से हमने सारे के सारे काट देने हैं पत्ते, कोई भी पत्ता नहीं छोड़ेंगे, जस्ट जो ऊपर से न्यू लीव्स होते हैं उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें न्यू लीव्स नहीं है, इसलिए हम पूरे के पूरे पत्ते काट डालेंगे। ओके, मैंने दोनों के पत्ते काट दिए हैं, एक के तो बिल्कुल काट दिए हैं, जस्ट नोड एरिया डैमेज नहीं किया मैंने, और दूसरी स्टेम के जो हाफ कटिंग की है, इसको हाफ लीव कटिंग भी बोलते हैं, तो ये भी ज़बरदस्त होती है, मतलब कलम लगाने के लिए ये भी बेस्ट वे है और ये भी बेस्ट वे है। दोनों आप जिसमें जौन सा मर्जी चूज कर सकते हैं, बहुत आसान है दोनों ही। बेसिकली हमने इसके पत्ते हाफ कट इसलिए काट दिए हैं ताकि ये पत्ते रिक्वायर ना करें। पत्ते पहले लाइव थे, अब ये डेड हो गए हैं। पहले लाइव थे, पहले जिंदा थे, पहले उसकी उनकी नीड थी कि हमको खुराक दी जाए, मतलब हमें फूड दिया जाए, जो इस ब्रांच को फोर्स करते ही रहते थे। अब उनको मैंने हाफ हाफ कट कर दिया है, अब ये मर गए हैं, अब ये बेसिकली मर गए हैं, अब ये रिक्वायर नहीं करेंगे अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इसको फोर्स, इस स्टेम को फोर्स नहीं करेंगे, हमें खुराक दो और हमारे साइज पत्तों का साइज बढ़ाओ, इसलिए मैंने हाफ कट कर दिया है, तो अब ये भी फ्री हो गई है। ओके, अब हम इसको लगाएंगे। मीडिया मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, 80% रेत है और 20% मिट्टी का कम्बिनेशन अच्छी तरह से बना लिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट सोल में जल्दी कटिंग्स की ग्रोथ होती है। तो अब हम इसको लगाना शुरू करेंगे बहुत आराम से। बहुत सॉफ्ट मीडिया मैंने यूज़ किया है, इसको मैं करीब करीब 4 इंच 4 इंच गहराई में दबा दूंगा और इसी तरह इस कटिंग को भी। ये एरिया, यहाँ तक एरिया मिट्टी के अंदर जाएगा तो ये लीव्स काटने ही बनते हैं। अगर हम ये लीव नहीं काटते तो ये मिट्टी और पानी के साथ टच रहेंगे तो इसको फंगस लग जाएगा। अगर फंगस लग गया तो कटिंग आपकी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए वो एरिया मैंने काट दिया है। अब ये देखिए कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और दबाता हूँ, कुछ इस तरह से। ओके, अब थोड़ा सा इसको पटकिए ताकि जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अब पानी देने का तरीका मैंने ये चूज़ किया है कि पहले प्लेट रखी है, प्लेट के अंदर मैं गमला रखूँगा और देन इस प्लेट के अंदर पानी भर दूँगा और आराम आराम से ये करीब 2 से 3 घंटे में सारे का सारा पानी जो होगा, जितनी मिट्टी की रिक्वायर होगी वो सारा पानी सक कर लेगी और पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जाएगी, देन इसकी ग्रोथ भी जल्दी हो सकती है, शूटिंग भी इसकी जल्दी स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले जो कटिंग हमने लगाई है उसको आप ऐसे शेडी एरिया में रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट मिल जाए तो काफ़ी होती है, मतलब सूरज की रोशनी जस्ट आए, डायरेक्ट सनलाइट यानी हीट नहीं आनी चाहिए। अगर सूरज की हीट इसको रेज मिलती रहेंगी तो ये ब्रांच के अंदर, क्योंकि इसकी रूट्स अभी डेवलप नहीं हुई हैं, तो ये ब्रांच बिल्कुल सूख सकती है और ये लकड़ी बन जाएगी, इसमें से शूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। ओके, अब इसमें सबसे पहले मैं पानी भरता हूँ प्लेट के अंदर। अब ये पानी मैं प्लेट के अंदर क्यों डाल रहा हूँ, बेसिकली मैं बार बार पानी नहीं देना चाहता, एक बार में ही इसको पानी दे देना चाहता हूँ और जब ये पानी ड्राई होगा, सक कर लेगी मिट्टी, देन मैं और प्लेट के अंदर पानी भर दूंगा। इससे मुझे पानी देने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर टाइम ये जो हमने कटिंग लगाई है ये हर टाइम ये मॉइस्ट रहेगी और जल्दी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। और हाँ, बरसात के मौसम में आप इसको कवर अप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने
और भी वीडियोस बनाई और मैंने आपके साथ शेयर किया कि पॉलीथीन बैग के साथ पहले कवर कर दें आप कटिंग्स को, वो आप जस्ट विंटर सीजन में करें ऐसा, जबकि टेम्परेचर बहुत लो होता है, मतलब ठंड को बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आप वो पॉलीथीन बैग यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको थोड़ी सी हीट मिले कटिंग्स को। तो सर्दी के सीज़न में हीट तो होती ही नहीं, इसलिए पॉलीथीन बैग यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अभी बरसात का मौसम है, मतलब गर्मी का सीज़न है अभी, तो अभी तो पॉलीथीन बैग यूज़ करना ही नहीं चाहिए। अगर पॉलीथीन बैग हम यूज़ करेंगे तो उससे बहुत जल्द जो ब्रांच है वो सूख जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन लेवल हाई हो जाएगा, देन आपकी ब्रांच स्टेबल नहीं रह पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी और वो मतलब लकड़ी बन जाएगी, लाइक अ वुड, डेड वुड बन जाएगी। और विंटर सीजन में नाइट्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन काफ़ी हाई लेवल होता है उसका, तो इसलिए हम पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं ताकि उसका नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाए पॉलीथीन बैग यूज़ करने की वजह से। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खूब अच्छे से समझ लग गई होगी आप, और आप भी अपने जो प्लांट है उसको मल्टीपल करने की कोशिश कीजिए, एक कटिंग ना लगाइए, दो ना लगाइए, 5 से 6 कटिंग्स लगाइए, ताकि कम से कम एक भी आपसे सक्सेसफुल हो जाए तो इनफ होती है, और बहुत खुशी होती है जब अपने ही हाथ से लगाया हुआ पौधा बड़ा होता हुआ देखा जाए तो। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।